बालिया में डबल मर्डर की खबर से हड़कंप मच गया। मामला हल्दी थाना के सोनवाली गांव का है, जहां पिता पुत्र की हत्या से गांव में कोहराम मच गया। बेटे का शव गांव से 200 मीटर दूर कुएं में, तो पिता का शव घर के एक कमरे में खून से लथपथ मिला। जानकारी के अनुसार उमाशंकर सिंह का मकान गांव के किनारे स्थित है। मकान से 200 मीटर दूरी पर बगीचा है और वहीं पर कुआं है जो पटिया से ढका हुआ है। पटिया हटाकर शव अंदर फेंका गया था और इसके बाद शव को छिपाने के लिए उस पर जल कुंभी डाली गई थी। किसी व्यक्ति के द्वारा डाला है कि मैंने भैया ये लाश इनार में कुएं में पड़ा है, वहाँ जाने के बाद एक दो घंटे के बाद लाश कुएं से बाहर आई। बाहर आने के बाद देखा गया कि उमाशंकर सिंह के लड़के ऊँचे हमारे भतीजा भी लड़के हैं ना, वहीं से बाहर निकाल के लोग उसी किए। फिर और एक घर एक और घटना, हाँ उसके बाद घंटा दो घंटा बीतने के बाद प्रशासन जब आई घर पे चेक करने के लिए, घूमने उमने के लिए, तो देखी कि उमाशंकर सिंह की भी लाश अंदर पड़ी है। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही एसपी पुलिस बल के साथ गांव पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। सर सर क्या मामला है? ये हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी ग्राम सभा में आज एक डेड बॉडी मिली है और उनका नाम विक्रम बताया जा रहा है। उसकी आगे जब तफ्तीश की गई है तो उनकी और उनके पिताजी की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी है। इस संबंध में अभी फॉरेंसिक की टीम और हमारी स्वाट की टीम सब टीम्स आ गई हैं और अन्य दो थानों से बुला करके दो और टीमें बनाई गई हैं। हत्या का क्या कारण हो सकता है इसके पीछे जांच की जा रही है। अभी तक की प्रथम दृष्टिया कुछ लोगों से पूछताछ में किसी व्यक्ति से ज़मीन विवाद भी सामने आ रहा है और इसमें जो आगे भी जो भी चीज़ें आएंगी उसकी तफ्तीश की जा रही है। जो सामने आएगा आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कितने परिवार कहाँ लाशें मिली पिता पुत्र की? एक हमको सुबह सूचना जो मिली थी, एक कुएं में डेड बॉडी की सूचना मिली थी। उस बॉडी को जब निकलवाया गया तो उसकी पहचान इसी गांव के एक निवासी के रूप में हुई। जब उनके घर में आए हैं तो वहीं पे घर पे उनके पिताजी की मृत्यु की डेड बॉडी मिली है। तो इसमें गुम होने की प्रथम दृष्टि नहीं, गुम होने की कोई सूचना नहीं है। किस तरीके की हत्या की? धारदार हथियार, धारदार हथियार से हत्या की गई है जो प्रथम दृष्टि दिख रहा है। बाकी पीएम रिपोर्ट आएगी तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिसकी हत्या जो कुएं में मिली है, क्या उसकी भी हत्या करके फेंकी गई है या हत्या करके उसकी शरीर पर भी धारदार हथियार से निशान है, तो हत्या करके कुएं में फेंकना भी प्रथम दृष्टि लग रहा है। और बॉडी को वहाँ पे हो सकता है छुपाने की कोशिश की गई हो। अभी सब पहलुओं पे जांच की जा रही है, जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। फैमिली में सर कौन रहता था? फैमिली में उनके उसके बाद दो लोगों के बाद इनके बता रहे हैं कि दो और बेटे थे। इनमें से एक बेटा 10 साल पहले ही घर से चला गया था, वो भी कुछ दिन पहले ही घर वापस आया था। उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है कि वो कौन है, इस समय कहाँ है, जो कुछ दिन पहले आया था किस इरादे से आए थे और यहाँ पे वर्तमान में कहाँ है। और एक और बेटा है, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुट गई है और जल्द ही इस डबल मर्डर का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।